अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहां पर मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट श्री अखिल राठी साहब को। आप बहुत करीबी तौर से इस आईपीओ को ट्रैक कर रहे हैं और जानने की चेष्टा करते हैं क्या राय मारवाड़ी स्टॉक्स एंड शेयर्स दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और आप सबको। नमस्कार राठी साहब, क्या कीजिएगा, पैसा डालना है क्या इसमें? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, अगर सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पैसा डालना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी के सेक्टर की ग्रोथ की बात करूं तो FY21 से FY25 तक करीबन 12% तक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये कंपनी जिस हिसाब से एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, तो एक्सपोर्ट मार्केट का ग्रोथ करीबन 9% के आसपास लग रहा है टिल 25 तक, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। सो कंपनी का पूरा फोकस रेगुलेटेड मार्केट में है, जिसकी वजह से ही जैसे आशीष जी ने बताया एबिटा मार्जिन करीबन 40% के आसपास है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो करीबन 30% के आसपास है। सो कंपनी का रेवेन्यू भी FY19 से FY21 तक अच्छा गया है, और कंपनी के पास सुपीरियर प्रोडक्ट मिक्स है, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है इंटरनेशनली, एंड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है इनका कंपनीज के कस्टमर्स के साथ, और करीबन ये 75% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और मैंने एक चीज नोटिस की है इस कंपनी में कि इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, कोई स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं है, डाइवर्सिफाई है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये रोबस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में, सो ये पॉजिटिव है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, सो इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे अच्छा छोड़ा है लिस्टिंग डे पे, गेन के लिए भी अगर देखेंगे तो करीबन 18 के मल्टीपल पे ये अवेलेबल होगा ऑन द लिस्टिंग डे, तो बहुत पॉजिटिव है। और जो अगर पीयर कंपैरिजन की बात भी करेंगे तो पीयर से भी आरती ड्रग्स एज वेल एज टीवीज लैब से भी सस्ता शेयर है, तो इस इन्वेस्टर्स को इस पैसे इस शेयर में लिस्टिंग के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। चलिए, जब तक आपके सामने राठी साहब मनन करते हुए दिखेंगे कि क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, तब तक वापस आशीष जी से जोड़ते हैं। आशीष जी, आपने बारीकी से यहां पर वैल्यूएशंस पर भी अपनी नजर डाली है, बताइए सुप्रिया लाइफ साइंसेज यहां पर इतना बढ़िया ओपीएम है, किस तरीके से खड़ा हुआ है लिस्टेड प्लेयर्स के सामने? देखिए, राठी साहब मेंशन कर रहे थे सर, वैल्यूएशंस वाकई बहुत अट्रैक्टिव है, छोटी कंपनी इसमें कोई शक नहीं, 2000 करोड़ का मार्केट कैप टारगेट हो रहा है। दिवीज आपसे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवीज तो इंडस्ट्री लीडर है, 60-65 times एनालाइज ईपीएस पे वो इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी जितनी कंपनीज हैं और इसके पीयर सेट में न्यूलैंड लैब्स अलग है 22-27 times के आसपास, लेकिन सोलारा एक्टिव और बाकी कंपनी जान रखिए 17-18 एनालाइज पे ट्रेड कर रही है, ये उन सब से अपने पीयर सेट से डिस्काउंट पे आ रहा है, इसीलिए शायद स्ट्रीट पे इसकी अट्रैक्टिवनेस होगी। और ये स्पेस एपीआईज की आजकल हम लोग बहुत वैसे ही चर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। आशीष जी, एपीआई पर भी बात करते हैं। देखिए, एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती हैं जिनके ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हैं, वो ब्रांड्स और फॉर्मुलेशंस बनाती हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल जो होता है फाइनल मेडिसिन का, वो एपीआई होता है। कई लोग कहते हैं सॉल्ट सॉल्ट, नमक है बेसिकली उनके लिए। नमक के ही पैसे होते हैं, नमक के ही पैसे। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बेसिक इंडियन फार्मास्यूटिकल स्पेस को देखें तो हमारा जो ज्यादातर रेवेन्यू लगभग 60-65% जो टॉप 4 और 5 कंपनीज हैं वो अमेरिका से आता हुआ दिखता है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा का बाजार अमेरिका है, खासकर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए। लेकिन बहुत सारी जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो एपीआई सोर्स करती हैं चाइना से, तो यहां पर जितना भी एपीआई बनता हुआ दिखेगा उसकी खपत और उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये राय है सुप्रिया लाइफ साइंसेज के आईपीओ पर, पूरी टिप्पणी आपने आशीष जी की तरफ से देखी, और राठी साहब अब आपको बताएंगे कि उनके हिसाब से लिस्टिंग पॉपअप कितना हो सकता है। ₹274 का प्राइस, राठी साहब क्या उम्मीद? देखिए शैल जी, अगर लिस्टिंग की उम्मीद रखेंगे तो मेरे हिसाब से करीबन 400 से 450 के आसपास लिस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज देख रहे हैं हम लोग 18 का पी पे करीबन 274 के आसपास प्राइस आ रहा है, तो 450 के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए लिस्टिंग डे। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है।